चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों ने डाउट भेजा है। आप भी अपना कोई भी डाउट मुझे भेज सकते हैं, मैंने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर ही रखे हैं। देखते हैं जिस बच्चे का डाउट था कि उसने पूछा था कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट इज प्रेजेंट इन CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे एट दिस एंगल। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का एक सबसे धासु जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टोटल 6 एंगल्स होंगे विद द सेम बोन एंगल, तो 6 एंगल वाला मतलब थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक देसी जुगाड़ बता देता हूँ। देखना CCl4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, CCl4 की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये बात आप हाइब्रिडाइजेशन से ही निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने 4 क्लोरीन लगाने हैं मेरे को कार्बन पे, तो मैंने 4 क्लोरीन लगा दिए कार्बन 1 2 3 4, ये 4 क्लोरीन है, 1 2 3 4 क्या है 4 क्लोरीन है। तो अब देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, कैसे एंगल बनेगा, 1C2 एक एंगल बनेगा, 1C3 एक एंगल बनेगा, 1C4 एक एंगल बनेगा। यहां तक बात समझने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2C3 एक एंगल बनेगा, 3C4 एक एंगल बनेगा, और ये तो सारे एंगल हो गए। अब एक एंगल और बड़े वाला बनेगा, वो ध्यान से देखना कौन सा, 2C4 के बीच में एक एंगल बनेगा इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, देखो एक एंगल तो ये हो गया, एक ये 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो टोटल 6 एंगल्स बन रहे होंगे। और किन किन के बीच मैंने लिख रखा है 1C2 1C3 1C4 2C3 3C4 एंड 2C4, तो टोटल 6 एंगल्स बन रहे होंगे ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट पे। तो आप ये क्वेश्चन अब कर पाएंगे किसी भी, आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे नंबरिंग कर लो और एंगल्स देख लो, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग जैसे स्टूडेंट ने मेरे को भेजी है, ठीक है। आप भी मुझे कोई भी डाउट भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, किसी भी जिस भी स्टूडेंट की डाउट है, आप देखें कैसे करेंगे इन प्रॉब्लम को। ए मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm एट 300 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथाइल अल्कोहल का 0.6 और वेपर प्रेशर पूछा है मेरे को। तो देखना कुछ नहीं करना, सीधी सी एक इक्वेशन बनानी लगानी है राउट्स लॉ की, बहुत सिंपल सी बात है, देखना करेंगे क्या अपन। यहाँ पे मेरे को टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 290, टोटल प्रेशर कितना है, वेपर प्रेशर 290 दे रखा है, और प्रोपाइल अल्कोहल का प्रेशर मेरे को दे रखा है 200, प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 200। अब मेरे पास सुनना, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो प्रोपाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 minus 0.6, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 होगा, तो 200 into 0.6 प्लस पी, इथाइल अल्कोहल का प्रेशर मेरे को फाइंड करना है इन 2.6। ये वाली इक्वेशन सबको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 200 into 0.4 प्लस पी इंटू 0.6, तो पी वैल्यू यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू मेरे को आ जाएगा किसका, इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का पी का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेशन करने में 350 mm ऑफ HG। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। 350 mm ऑफ HG ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राउट्स लॉ लगाना था, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अगली प्रॉब्लम देखते हैं, IUPAC नेमिंग, यहाँ पे किसी बच्चे का डाउट है, चलो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ IUPAC नेमिंग। तो इससे पहले आप खुद ट्राई कर सकते हैं IUPAC नेमिंग, जिसको डाउट आ रहा है, ठीक है, तो चलो तो आप ट्राई करें, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है। इससे पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आप देखो ये चैनल मेरा है, आप इस चैनल की ग्रोथ के लिए आप हमारे छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मुझे पेटीएम कर सकते हैं, जस्ट 30 rupees की अमाउंट, आपका छोटा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं मेरे पास, आप छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करेंगे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी, इससे हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, आपके लिए दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए और मैथ्स फिजिक्स के लिए भी मैं और बढ़िया बढ़िया वीडियोस जल्दी जल्दी डालता रहूंगा। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, कि थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, नेट वगैरह की फैसिलिटी और अच्छे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं यदि आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस एक मेरा जो इनिशिएटिव है, आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे, बहुत छोटी सी अमाउंट है आप लोगों के लिए, पर मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी हेल्प जरूर करेंगे। चलो तो इस वापिस आते हैं इस प्रॉब्लम पे, IUPAC नेमिंग है, अब देखना कैसे करेंगे, नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करनी है। देखो सबसे लंबी चेन तो ये वाली बनेगी, किसी को ये बात समझने में डाउट होगा ही नहीं, तो ठीक है ये वाली बात सबने किसी को डाउट नहीं है। एक फंक्शनल ग्रुप ये वाला लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप है, एक ग्रुप ये वाला लगा हुआ है। अब देखते हैं नंबरिंग कहाँ से करनी है, या तो मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर लूँ या राइट से नंबरिंग कर लूँ, ये बात समझ में आ गई।
अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से इसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा, जो दोनों ये जो ग्रुप है इन दोनों को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। राइट से करूंगा मैं नंबरिंग, राइट से करूंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा, देखो 1 2 3 4 और 5 नंबर मिल रहा है, और लेफ्ट से कर रहा हूँ, लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूँ तो कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4, 3 4 करने पे राइट से नंबर मिल रहा है और 4 5 करने पे लेफ्ट से नंबर मिल रहा है, तो स्मॉलेस्ट कहां से मिल रहा है, राइट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वहां से स्मॉलेस्ट मिल रहा है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, थर्ड पोजीशन पे 2 कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब इथाइल ग्रुप है, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल लिख देंगे, डैश करेंगे। अब देखो फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा है, फोर्थ पोजीशन पे डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो 2 के लिए लिख दूंगा डाई मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पे टोटल टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7, तो इसलिए लिख दूंगा हेप्टेन। 6 होता तो लिख देता हेक्सेन, 8 होता तो लिख देता ऑक्टेन, तो नाम क्या हो गया 3 मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। 4 4 किस लिए, क्योंकि एक ही पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए आप नाम लिखेंगे 3 मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। मुझे उम्मीद है ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे खाली एक ही मिथाइल ग्रुप होता, फोर्थ पोजीशन पे खाली एक ही मिथाइल होता तो लिखता 4 मिथाइल हेप्टेन। अब 4 4 डाई मिथाइल लिख रहा हूं क्योंकि जिस नंबर पे उसको भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, यहाँ से सॉल्यूशन देख भी सकते हैं आप। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं करवाता हूँ आप मुझे, मेरे को भी पता है आप मेरे को थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट मेरे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भेजते हैं। अब देखो आप लोग सोचते होंगे सर आपने तो इस वीडियो में मेरी प्रॉब्लम डिस्कस की नहीं। अब देखो यार धीरे धीरे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए टाइम लगता है हर प्रोसेस में और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब जिन बच्चों की प्रॉब्लम बच गई है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, और जिनकी इस वीडियो में हो गई है वो थैंक तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलवेज मेरे को पता है आप बहुत ज्यादा आभारी हैं आप लोगों का। इतना प्यार देख के मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों को हेल्प मिलते रहे और अपने ड्रीम कॉलेज आप फटाफट ले लें। चलो तो इस उम्मीद के साथ सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय 750 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl वेट 250 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HCl। सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैंने मोलैरिटी का एक वीडियो भी बना रखा है, उसमें मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रखी हैं। मेरे को ऐसी उम्मीद लगता है जिस बच्चे का डाउट है उसने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी, बहुत प्यार से समझा रखा है। मोलैरिटी बाय अनिल दुवाली आप यूट्यूब पे लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी, या मेरे वीडियो वाली लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं। देखो रिजल्टेंट की मेरे को मोलैरिटी फाइंड करनी थी, रिजल्टेंट की मेरे को मोलैरिटी फाइंड करनी थी, कुछ नहीं करना, टोटल मोलैरिटी इक्वल इनटू वॉल्यूम इक्वल टू सम ऑफ मोलैरिटीज, यानी M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू कैपिटल M इनटू V। कैपिटल M क्या है, रिजल्टेंट की मोलैरिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। अब देखना तो कैपिटल M का वैल्यू आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V। M कितना दे रखा है 0.5 इनटू 750 पहले वाले केस में, प्लस दूसरे केस में क्या है 2 मोलैरिटी और 250 वॉल्यूम है, तो 2 इनटू 250 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 750 मिलीलीटर प्लस 250 मिलीलीटर यानी 1000 मिलीलीटर। डिवाइड करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 0.875 मोलर इसका मोलैरिटी आ जाएगा, 0.875। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, डी ऑप्शन होगा 0.875। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। टोटल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल की मोलैरिटी, यही लगाया मैंने और ये यहां से आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, अगली प्रॉब्लम है थर्मोडाइनेमिक से, अच्छी प्रॉब्लम लग रही है। चलो जिसका भी डाउट है सॉल्व करके देखते हैं क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो इन कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम CaCO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, डेल्टा एच और डेल्टा एस दे रखा है टेम्परेचर प्रेशर पे, और बोल रखा है कि अज्यूमिंग डेल्टा एच नॉट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर अबव दिस कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन टू लाइम विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस बताना है कि कब किस टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स मैंने पूरा 30 मिनट्स में पढ़ा रखा है आपको, बहुत आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया है, थैंक्स टू ऑल माई व्यूवर्स ऑल माई सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा मिले। चलो तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक इक्वेशन लगानी है, सिर्फ एक इक्वेशन लगानी है, कुछ नहीं करना। कौन सी इक्वेशन लगानी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये वाली गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है। क्या होती है, डेल्टा एच डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यूं बोल रखे इक्विलिब्रियम, जब भी बात इक्विलिब्रियम की आए मतलब समझ लेना डेल्टा जी की वैल्यू जीरो, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है जीरो, ये बात याद रखना। ठीक है, टू फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तो डेल्टा जी जीरो, यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा जी को जीरो डालेंगे तो डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस,
ये वाली बात आ जाएगी। अब मेरे को टेम्परेचर फाइंड करना है, डेल्टा एच मेरे को गिवन है और डेल्टा एस भी गिवन है, दोनों को कर दूंगा जब मैं डिवाइड तो ऑन टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा 1118 केल्विन। सो एट अबव दिस टेम्परेचर द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस की कंडीशंस भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स में पूरा आपको 30 मिनट्स में जो पढ़ाया है उसमें मैंने करवाई रखी है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आया होगा सर डेल्टा एच भी दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है, डेल्टा जी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो टी कैसे फाइंड करेंगे, आप ये बात सोच रहे होंगे ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू होता है जीरो। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और यहां से जीरो हो गया तो टेम्परेचर यहां से हमने कर लिया कैलकुलेट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सब नोट डाउन कर लें और ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें। अब अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है कार्बोकैटायन की। चलो इस प्रॉब्लम को डील करने से पहले एक बात बता देता हूं, जो भी मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स डील कर रहा हूं उससे पहले आप खुद एक बार ट्राई करा करें प्रॉब्लम, और फिर मैं उनका सॉल्यूशन देखा करें। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आप अपना थोड़ा भी दिमाग लगाएं तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो इस प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से बस इस प्रॉब्लम को देखो। पहले मेरे को सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सब देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। कार्बोकैटायन की जब भी स्टेबिलिटी बतानी हो तो एक बात याद रखना कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात याद रखना, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब मेरी बात सुनना, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रही है? अब देखना, जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ये वाला कंपाउंड देखो, देखो कंजुकेशन भी है, पाई सिग्मा कटाइन का कंजुकेशन है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है ना कोई कंजुकेशन है, यहाँ तो रेजोनेंस में है, ये सारे रेजोनेंस में है, प्लस ये प्लस चार्ज भी इधर माइग्रेट कर सकता है, प्लस चार्ज भी इधर माइग्रेट कर सकता है, मतलब ये पूरा कंपाउंड रेजोनेंस में है, और फर्स्ट वाला कंपाउंड भी कंजुकेशन में है, ये वाला इधर जाएगा, इस पे ये वाला चार्ज इधर आएगा, ऐसे आप तोड़ सकते हैं। यानी सेकंड में तो कोई कंजुकेशन भी नहीं है, कोई रेजोनेंस भी नहीं है, तो कार्बोकैटायन है जो ये सेकंड वाला, इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम होगी। तो सबसे पहले सेकंड वाला ऑप्शन जो सबसे लास्ट में है वो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो देखना, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी सबसे नहीं है, थर्ड में आपको यहां से दिख रहा होगा कि थर्ड वाला सबसे लीस्ट स्टेबल है, इट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी तक देखो आपके पास टाइम कम हो, एक मिनट का टाइम है और आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे जुगाड़ भी बताता हूँ कि कैसे केमिस्ट्री को चीजों को आसान बनाते हैं और जल्दी पेपर कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते होंगे ना केमिस्ट्री, या टीचर्स बोलते होंगे केमिस्ट्री का पेपर सबसे जल्दी किया जा सकता है, तो इन्हीं छोटे छोटे जुगाड़ की, इन्हीं छोटी छोटी नॉलेज की वजह से आप ये पेपर जल्दी क्लियर कर सकते हैं, जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और अपने बाकी टाइम बायो फिजिक्स या मैथमेटिक्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर सबको? ठीक है, तो अब चलो देखते हैं कि अभी तक आपने ये तो पता लगा लिया कि थर्ड इसका ऑप्शन होगा, और वैलिडेशन देख लेते हैं कि थर्ड में वन और टू को भी एक बार आप कंपेयर करके देख लेते हैं कि भैया क्या है। मान लो दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें टू लास्ट में आ रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा होगा। तो मैंने अभी आपको एक गोल्डन रूल बताया कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलाइजेशन। अब देखो रेजोनेंस इधर भी हो रही है, इधर से भी, पूरा कंपाउंड रेजोनेंस में है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसमें तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, बस ऐसा ही काम होगा। इधर क्या होगा, ये वाला इधर भी आ सकता है, ये इधर भी पूरा कंपाउंड रेजोनेंस में चला जा सकता है। तो थर्ड वाले में रेजोनेंस ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला, तो थर्ड की सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी, सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, देन फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1 एंड 2, 3, 1 एंड 2 ऑप्शन होगा थर्ड अपने पास। तो थर्ड यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी आपको बता रखा है। ठीक है, उम्मीद है ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। ये देखना, सॉलिड स्टेट से मैंने प्रॉब्लम ली है, क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम एक बार जेई मेन में आ भी चुकी है। देखो इस पिक्चर को देख के आपको बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इस क्रिस्टल में कैसा डिफेक्ट है, इस क्रिस्टल में कैसा डिफेक्ट है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। अब देखो सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम और क्लोराइड, जहां जहां ये गैप दे रखा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जहां जहां गैप है इन गैप्स को देख के अपन डिफेक्ट्स का पता करते हैं। अब देखो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में यहाँ सोडियम आया होगा, यहाँ सोडियम आया होगा, ठीक है, और अब जो ये दो सोडियम है इनके बीच में क्लोरीन आया होगा, अब यहाँ पे भी दो सोडियम के बीच में क्लोरीन आया होगा, और जो यहाँ पे जो दो क्लोरीन है इनके बीच में एक सोडियम आया होगा, मतलब दो सोडियम गायब हुए हैं और दो क्लोरीन गायब हुए हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर इंटरस्टीशियल, फ्रॉम देयर स्पेस, फ्रॉम। तो देखो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग, इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट में ही इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिस होते हैं।
अपने लैटिस साइड को छोड़ के जाते हैं, तो इसका मतलब नो डाउट अपने पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फोर्थ होगा, शॉर्ट के डिफेक्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। ठीक है, यदि फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता, फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता, यदि ये वाले डिफेक्ट जो यहां से गायब गायब हुए हैं सोडियम और क्लोराइड, वो अपनी इंटरस्टीशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते, बीच वाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेते, तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता। ये बात सबको पता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, ये बात याद रखना। नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, IIT में भी पूछा गया है, JEE मेन में पूछा गया है, तीनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता, तो आप ऑप्शन क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ये बात याद सबको क्लियर, तो इसके लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो गया, शॉर्ट के डिफेक्ट, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम दिस लैटिस पॉइंट। तो देखिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, आप इस लेक्चर में अपने पार्ट फोर में देख लिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अगले पार्ट में और केमिस्ट्री प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, फिजिक्स की प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, साइड बाय साइड वीडियो दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि मैं आपका कॉल अटेंड ना कर पाऊंगा, आप कॉल करके मुझे कोई डाउट पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं कॉल बैक कर लूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मेरे को व्हाट्सएप करके छोड़ दिया करो प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम ले लूंगा, वीडियो में डाल दूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि आप 30 रुपीज पे कर दीजिए, इट्स ऑप्शनल, देखो यार किसी को कोई फोर्स नहीं है, यदि आप करोगे तो एक थोड़ा सा हमें हमारी टीम को सपोर्ट मिलेगा, एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, जो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड कर सकें, तो उस चीज के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप देखो आपका छोटा छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट होगा, जिसके कारण हम अच्छे सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल करवा देंगे, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आपके बस इतना सा हेल्प चाहता हूँ। इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, हाई क्वालिटी नोट्स जो मैं वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ, फ्री टेस्ट मैं आपको आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं चाहता कि इसलिए आप देखो, अभी मैं खाली अनिल वाली आपको पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, मैं चाहता हूँ वो ट्यूटर्स आए, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपका फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए फ्री डाउट सेशन लगता हूँ, फ्री डाउट सॉल्विंग वीडियोस भी बनाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है बात सब सुन रहे होंगे और मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और एक दिन जरूर उनकी मेहनत कामयाब होगी और वो अच्छे कॉलेज में जाएंगे। और फिर मिलते हैं, चलो फिर अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।